नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबको नमस्कार। चलिए एक बार छोटी दीपावली की बहुत सारी बधाई आपको, और जो बच्चे हमारे एसआई बने हैं उनको भी बधाई। जो नहीं बन पाए वो ज़्यादा दुखी ना हो। बहुत सारी तैयारियां ऐसी हैं जहां सुधार की ज़रूरत है, और हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, नमस्कार कमल जी, सबको नमस्कार। कई बार बच्चे ना मैसेज कर देते हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया। भाई कई बार दिख नहीं पाता है मैसेज, तो आप बुरा ना माने। आप हमारे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, बुरा ना माने। कंटेंट जरूर पढ़ें और लास्ट में जवाब जरूर दें कि कैसा रहा। आपके एक थम्सअप और आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से हमारा दिल भरता है और हमारी खुशियां मिलती हैं। तो आप जरूर लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन बनाने वाले भी इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन क्या है, और कई बार बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है, इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि किस एक शासक को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता कहते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे लाल, यह क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के आगे मैं अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो ध्यान से सुनना, बड़ा ही फेमस एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो एक मौर्य वंश हुआ करता था, मौर्य वंश हुआ करता था, मौर्य वंश। उसके बाद आया शुंग वंश, शुंग वंश। उसके बाद आया कन्नौ वंश। उसके बाद आया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और उसके बाद आया गुप्त वंश। ये तो इस वंश के बाद है, तो इनको बोलते हैं पूर्व मौर्य। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य, मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्य। और इससे पहले देखोगे तो इससे पहले नंद वंश, उससे पहले शिशुनाग वंश, और उससे पहले हर्यक वंश, और ये आते हैं उसके पहले वृहद्रथ वंश। इसका जिक्र हर जगह नहीं मिलता, तो इसको बोलते हैं प्री मौर्य, इसको बोलते हैं प्री मौर्य। तो एक बार ये ऑर्डर में आ जाएगा, एक बार ये ऑर्डर में आ जाएगा, और बीच में पड़ेगा मौर्य वंश, बीच में पड़ेगा मौर्य वंश। अगर मैं बात करूं बीच में पड़ेगा हमारा मौर्य वंश, तो मौर्य वंश को बनाने वाले एक राजा थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनका राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ध्यान से सुनना, इन्हीं का बेटा हुआ था बिंदुसार, इन्हीं का बेटा हुआ था बिंदुसार, बिंदुसार इन्हीं का बेटा था बिंदुसार। और इनकी पत्नी दो थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दो थी। एक का नाम था दुर्धरा, दिखेगा नहीं शायद, एक का नाम था, एक का नाम था दुर्धरा, और एक का नाम था हेलना। और हेलना विदेशी महिला है, याद रखना। लोग शादी करते हैं अंतरराज्य, एक राज्य में, लेकिन हमारे इस शासक ने सीधा अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, सीधा अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो सीधा अंतरराष्ट्रीय विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस दुर्धरा से, इस दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ था, बिंदुसार का। और कहा जाता है कि बिंदुसार से एक राजा जन्म लिया, अशोक, 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 अशोक। तो जो ये बिंदुसार है उसके पिता हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। तो इधर सुनना, क्वेश्चन जो है वो बड़ा प्यारा है। पिता का पुत्र, पिता, पिता, पिता का पुत्र
बिंदुसार, पिता का पुत्र बिंदुसार, पुत्र का पिता यानी इस पुत्र का ये पिता, दोनों ही प्रतापी, ये भी प्रतापी अशोक भी प्रतापी, इसी वजह से पिता का पुत्र, पुत्र का पिता बिंदुसार को कहा जाता है। और पहला ऐसा राजा है, पहला ऐसा राजा है जो अपनी शक्ति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कामयाब सिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा क्षेत्र फैलाया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यह काम किया था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो बिंदुसार। तो पिता का पुत्र, पुत्र का पिता बिंदुसार, आंसर बिंदुसार, आंसर बिंदुसार, क्लियर। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, बिल्कुल लेंगे जी। बलवीर जी बताइए, हैप्पी दिवाली सबको। तो एक बार मैं पढ़ाने में बिजी हूं थोड़ा सा, तो ये बताओ इसका आंसर जाएगा बिंदुसार, 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 बिंदुसार। ये क्वेश्चन है जी, शायद पहला क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर, चलिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। ये आइए, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन पढ़ना जी। इस क्वेश्चन में हर कोई कंफ्यूजन लेता है, इस क्वेश्चन में हर कोई कंफ्यूज आ जाता है। नमस्कार विधि शर्मा जी, छोरी का नाम जो रखा है अपनी गुड़िया का, वो अन्या रखा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन है उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? जनरल डायर की, माइकल ओ डायर की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। 90% बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं इसका, कि ये बताइए किसकी हत्या, उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई थी। तो ध्यान से समझना, उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की, माइकल ओ डायर की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से सुनना, एक मैं बात कहना चाहूंगा, पहले ये जानिए ये हत्या हुई क्यों थी। 1919 में जलियांवाला बाग केस हुआ, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब, 1919 में जलियांवाला बाग केस हुआ। और उस केस में उस समय पंजाब में दो आदमी बहुत फेमस थे। एक तो पंजाब में, पंजाब का जो गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था, गवर्नर माइकल ओ डायर। और पंजाब सेना में जो उस समय कंट्रोल कर रहा था सेना को, वो था जनरल डायर। जनरल डायर एक सेना का था, एक वहां का गवर्नर था। इसने आदेश दिया कि गोली चलवा दो। क्यों गोली चलवा दो? क्योंकि लोग काले कानून का विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। काले कानून मतलब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, बिना दलील का कानून। उठा लो भारतीयों को, अरे ऐसे थोड़ी, क्यों उठा लो भाई, मेरा हक है पूछने का, मेरा हक है पूछने का, क्यों उठाओगे भाई मुझे, मेरा अधिकार है। लेकिन इसने कहा ना उठा लो, देखी जाएगी। तो इस आदमी ने, जो माइकल ओ डायर है वो गवर्नर था, उसने कहा गोली चला दो, लोग क्यों करेंगे विरोध। और इस डायर साहब ने तो गोली चलवा दी। उसमें उधम सिंह भी थे, उन्होंने आंखों से देखा, उन्होंने आंखों से देखा इस तबाही को, और उसी दिन मिट्टी उठा के कह दिया कि मैं बदला लूंगा। उसके बाद जो ये दोनों आदमी हैं, माइकल ओ डायर और जनरल डायर, ये दोनों आदमी इंडिया छोड़कर चले गए, और वहीं से इंतकाम शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये जलियांवाला बाग है, ध्यान से सुनना। उसी दिन ये उधम सिंह है, उसी दिन ये है जनरल डायर, जनरल डायर। तो जो डायर है, याद रखना, ये है वो जनरल जिसने गोली चलवाई थी, आदेश वाला नहीं, डायर द बूचर ऑफ अमृतसर। यह आदमी 1927 में एक बीमारी से खुद ब खुद मर गया, खुद ब खुद मर गया, खुद मर गया। ये आदमी
जो वहां का सेना का था वो खुद मर गया 27 में। जब पता चला उधम सिंह को कि मेरा एक निशाना, तो खुद मर गया। अब तलाश है किसकी? माइकल ओ डायर की। ये तो खुद मर गया, अब तलाश है किसकी? माइकल ओ डायर की, इस आदमी की जो वहां का गवर्नर था। और 13 मार्च 1940 को वो घड़ी भी आई जो कैक्सटन हॉल लंदन में आमना सामना हुआ उधम सिंह का और इस माइकल ओ डायर का, और निकाली बंदूक उस किताब से, और उस किताब से बंदूक निकाली, गोली चला दी, दो गोली ऐसी भेदी उठ भी ना पाया, वहीं पे मर गए। और अपनी गिरफ्तारी दी उधम सिंह ने और कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया। मैं उधम सिंह के बारे में इतिहास में पूरा डिटेल पढ़ाता हूं। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने वहां से इनकी अस्थि भी मंगाई थी बाद में खुदवा के, वो सब बताऊंगा, पहले वो सब चीज पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का जवाब जो है, ये है उधम सिंह। और इन्होंने गोली मार दी 13 मार्च 1940 को, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और फैसला आया, और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई वहां तरन तारन पंजाब के थे। बाद में इनके डेड बॉडी को लाया गया, अस्थियों को 7 जगहों पे बांटा गया। ये सब अलग अलग क्वेश्चनों में कराऊंगा। लेकिन इन्होंने जो मारा वो डायर को थोड़ी मारा, डायर तो खुद मर गया, माइकल ओ डायर को मारा इन्होंने, माइकल ओ डायर को मारा इन्होंने। क्लियर? अरे बताइए ना, अरे क्लियर है? अन्य नाम ही है विधि जी, अरे जल्दी बताइए, क्लियर? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अरे जल्दी बताइए ना, क्लियर है? अरे बता दो यार, क्लियर होगा तब भी आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? चले आगे, चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये घटना थी भाई, ऐसे जुड़े रहिए, बहुत सारे घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे और उस पर्दाफाश में आप समझ जाओगे। कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, याद से सुनना, एक चीज सुनना, मैं अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान से सुनना एक बार। एक मैं ट्रिक लिखूंगा, याद करो, एक दिन मीना ने रंग लगा दिया, बृहद रंग लगाया, एक दिन मीना ने बृहद रंग लगाया, और रंग किसको लगाया, रंग किसको लगाया? लक्ष्मी नारायण गोल्डन को लगाया। याद रखना, एक दिन मीना ने बृहद रंग लगाया किसको? लक्ष्मी नारायण गोल्डन को। फिर ये नाराज हो गए, नाराज हो गए। जब ये नाराज हुए तो महाबली राम आए और उन्होंने एक चित्र दिखाया, और फिर ये खुश हो गए कि चलो रंग लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। तो एक दिन मीना ने बृहद रंग लगाया किसको? लक्ष्मी नारायण गोल्डन को। फिर वो नाराज हो गए, महाबली राम ने चित्र दिखाया, ये खुश हो गए। एक दिन का मतलब होता है एकमेश्वर, एकमेश्वर, एकमेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, ये सब तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु, मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु में है। रंगास्वामी टेम्पल, याद रखना श्री सैलम में है रंगास्वामी, और रंगास्वामी इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल रंगास्वामी, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल अंकोरवाट कंबोडिया, अंकोरवाट कंबोडिया, कंबोडिया जो है अंकोरवाट,
अंकोर वाट कंबोडिया में है, इसकी कैपिटल है फिनोम पेनाह, फिनोम पेनाह, फिनोम पेनाह, पेनाह इसकी कैपिटल है, और अंकोर वाट मंदिर है, अंकोर वाट। तो रंगा स्वामी इंडिया में सबसे बड़ा और वर्ल्ड में अंकोर वाट सबसे बड़ा। लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल श्रीपुरम में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नटराज टेम्पल, नाराज मतलब नटराज, तमिलनाडु। महाबली महाबलेश्वर टेम्पल तमिलनाडु। रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु। और याद रखना चित्रेश्वर, याद रखना दो चीज है, चित्रगुप्त टेम्पल, चित्रेश्वर चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मंदिर यह भी तमिलनाडु में है, और चित्रगुप्त टेम्पल उज्जैन में भी है, चित्रगुप्त टेम्पल खजुराहो में भी है, चित्रगुप्त टेम्पल तमिलनाडु में भी है, लेकिन चित्रगुप्त टेम्पल तमिलनाडु वाला फेमस है। और चित्रगुप्त जानते हो कौन थे? यमराज के जीजा जी, यमराज के जीजा जी थे, उनकी मंदिर है तमिलनाडु में, उनकी मंदिर उज्जैन में, उनकी मंदिर खजुराहो में, लेकिन फेमस जो है वो तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु वाला है। तो याद रखना ये सारे के सारे तमिलनाडु में है, सारे के सारे तमिलनाडु में है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे लाल, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, जब आए राजा रानी, राजा रानी जब आए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, और जब आए जगन्नाथपुरी राजा रानी, और जब आए लिंगराज मंदिर, तो खटाक से आंसर कर देना उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। तो मेरे लाल जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनो ना, वो ध्यान से सुनो एक बार, कौन सा टेम्पल तमिलनाडु में नहीं है? मीनाक्षी है, लक्ष्मी नारायण है, रंगा स्वामी है, राजा रानी नहीं है, आंसर लगा दो, क्योंकि राजा रानी तो कहां है? राजा रानी तो उड़ीसा में है, याद रखो ना मेरे लाल, राजा रानी तो उड़ीसा में है। आइए हम देखते हैं, ये जो है वो है एकमेश्वर टेम्पल, ये देखिए, ये जो है मीनाक्षी टेम्पल, ये देखिए गोल्डन। रंगा स्वामी इंडिया का सबसे बड़ा, रंगा स्वामी हमको इसी से मतलब है, रंगा स्वामी। और यह है अंकोर वाट, अंकोर वाट कंबोडिया, विश्व का सबसे बड़ा, और यह इंडिया का सबसे बड़ा, यह पढ़ना था हमें, इंडिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। यह बताइए इस क्वेश्चन का जवाब पूरा हुआ? सबसे बड़ी रसोई, जी हां, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे यार बताने की तो कुछ है ही नहीं, सीधा क्वेश्चन आया यार पेपरों से, सीधा क्वेश्चन उठते हैं यहां से, ध्यान से सुनना, बस एक बार पढ़ जाओ, एक बार पढ़ जाओ, हमारे आधार कार्ड पर कुल कितने नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आया था, और एक बच्चा गलत करके आया, बाद में क्या बोला, मास्टर जी मेरे पॉकेट में ही ना था आधार कार्ड, निकाल के गिन लेता, आधार कार्ड मेरे पॉकेट में ना था। तब मेरे लाल ध्यान से सुनना, यह आधार कार्ड की एक फॉर्मेट होती है, चार सेट, चार सेट, चार सेट, यानी 12, आधार कार्ड में 12, और 12 के 12 नंबर होते हैं जी, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता, 12 के 12 नंबर होते हैं, 12 के 12 नंबर होते हैं, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता, कोई अल्फाबेट नहीं होता, 12 के 12 नंबर। और याद रखना मेरे लाल, याद रखना 29 सितंबर 2010 को पहली बार महाराष्ट्र का एक गांव था तेंबिल, तेंबली, तेंबली, और वहां की रंजना थी, रंजना सोनावाने, इनका आधार कार्ड इंडिया का पहला आधार कार्ड है, इंडिया का पहला आधार कार्ड है, महाराष्ट्र की रहने वाली
रंजना जो 2010 में इनको आधार कार्ड बन गया। आधार कार्ड के लिए 2009 में बात उठी, 2010 में पहली बार बन गया, जो महाराष्ट्र इंडिया में पहली बार थी। और ये महाराष्ट्र की एक गांव की जिनका नाम है तेंबली, और रंजना सोनावाने के नाम से ये आधार कार्ड जारी हुआ। इंडिया का पहला आधार कार्ड था ये। जल्दी बताइए, सब एक एक करके पढ़ाएंगे, वोटर आईडी कार्ड पे, चेक पे, जीएसटी में, हर चीज पढ़ाएंगे, एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। ये इंडिया का पहला है जी, अगर आए ठोक दियो, आजकल खूब आंसर क्वेश्चन आ रहा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? क्वेश्चन देखिए, मैं लिख के देता हूं, सवाल आएंगे, लिख के देता हूं, सवाल आएंगे, आइए देखते हैं। आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ, आ जाओ, इधर देखो। जब आए, एक होता है गवर्नर ऑफ बंगाल और एक होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक होता है वायसेरॉय, वायसेरॉय। चार चीज होता है, एक दो तीन चार, चार चीज याद करना, चार चीज। अंग्रेजों के टाइम में जब आएगा गवर्नर ऑफ बंगाल तो 1757 में, 1757 में लॉर्ड क्लाइव नाम का एक आदमी था जो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना, लॉर्ड क्लाइव। जब मैं बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा जीजीबी, तो एक थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहला जीजीबी था। और एक आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, 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 लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो जीजीआई था पहला। और एक था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यह बना 1856 के आसपास, ये बने लगभग 1828 के आसपास, ये आदमी बना लगभग 1774 के आसपास, और ये आदमी बना 1757 के आसपास। पहला जीबी क्लाइव, पहला जीजीबी वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला जीजीआई बेंटिक, पहला वायसरॉय कैनिंग। वायसरॉय को इस टाइम का राष्ट्रपति कह सकते हो, जीजीआई को उस आज का प्रधानमंत्री कह सकते हो, जीजीबी का गवर्नर कह सकते हो, और जीबी का मतलब मुख्यमंत्री कह सकते हो। ये हमारे चार होते हैं, इनमें पहला पूछता है, लास्ट पूछता है, पहला लास्ट, पहला आज पढ़ा दिया, लास्ट नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में कराएंगे। तो ये बताओ, पहला जीजीआई यानी आंसर क्या जाएगा? जी जी आई, तो वो तो बेंटिक था, क्योंकि ये आदमी तो जीबी था, ये आदमी तो जी जीबी था, ये आदमी तो जी जी आई था, ये आदमी तो लास्ट था वायसरॉय, लास्ट वायसरॉय था। और इसने ही अपना झंडा उतारा था और हमारे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई थी नेहरू जी को, क्योंकि उस समय हमारे पास राष्ट्रपति नहीं थे 1947 में, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति तो 1950 में बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो राष्ट्रपति तो था नहीं, तो यह आदमी उस समय वायसरॉय था, तो भाई करा दिया इसने शपथ ग्रहण। तो ये आदमी हमारा आंसर जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बताइए क्लियर? अरे बता दो यार, शायद कमांडो का डेट सीट आगे चला गया है दिसंबर में। अरे बता दो यार प्लीज, मारूंगा मैं, बता दो यार, बता दो यार, बता दो यार, ईब तो बता दो, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए ये तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, डाउट होगा फिर कर देंगे काम। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, 1/24/9, बोला यू के थर है,
एक चौबीस नौ, ये तो कोई जोड़ घटाना हुआ नहीं, ये तो कोई जोड़ घटाना हुआ ही नहीं। एक चौबीस नौ मेरे लाल, ये एक चौबीस नौ क्या है? पहला पूछेगा, वर्तमान पूछेगा और नौवा पूछेगा, जो कि पेपर में आया था यूपीपीसीएस के। नौवा क्यों पूछेगा मेरे को पता है, तुमको नहीं पता। 1950 में हमारा पहला बना था चुनाव आयुक्त, उसका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, और ये 58 तक रहे थे पहला। इस समय है 24वें सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा वर्तमान में अभी है 24वें नंबर के। और एक होता है चीफ और दो होते हैं केवल इलेक्शन कमिश्नर। एक होता है चीफ और इसको हेल्प करने के लिए दो होते हैं और, उनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, और सबसे बड़े वाले को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक है राजीव कुमार, एक है अनूप पांडे। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ है और पहले ये हैं। और याद रखना, याद रखना मेरे लाल, याद रखना कि एक फीमेल थी जिनका नाम था वी एस रामा देवी, वी एस रामा देवी, वो नौवे नंबर पे आई थी 1990 में, 15-20 दिन के लिए रही रामा देवी, वी एस रामा देवी, पहली महिला। इसके बाद कोई महिला आई ही नहीं नौवे नंबर पे। तो पहला, महिला, वर्तमान, इन दोनों का सपोर्ट। पहला महिला, ये वर्तमान और ये दोनों अन्य। क्लियर, क्लियर, जल्दी बता दो, क्लियर। एकमात्र महिला थी। और आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ये है सुकुमार सेन, ये है रमा देवी, ये है सुशील चंद्रा, ये है सुशील चंद्रा, और ये आदमी जो दूसरा है राजीव कुमार, राजीव कुमार, ये है दूसरे राजीव कुमार, और ये है पांडे जी, अनूप पांडे। ये राजीव कुमार, अनूप पांडे, सुशील चंद्र, ये 24वें नंबर के हैं। ये दोनों अन्य, इनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। अरे अब तो क्लियर हो गया होगा, नुए चल रहे हैं, नुए क्वेश्चन आवे भाई पेपर में। हे भगवान, ये वच विपुल दहिया, नमस्कार भाई, सुनील भाई नमस्कार भाई। या तो बता दो या तो शेयर कर दो, जी टू बैस से पीछे कारा सावर है मेरे भाई, सारे अपने हैं यार। क्वेश्चन आपको पता है, लाइक शेयर आप करो, सवाल आपको पता है, हमारा लेवल आपको पता है, और सवाल क्या आ रहे हैं वो भी आपको पता है, पेपर में वो भी आपको पता है। आइए देखते हैं। ओ भाई ये ओके था, ओ भाई रे ये भी आया है पेपर में। भारत का पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहां है? याद रखना मेरे लाल, कई चीज कराऊंगा, ब्लाइंड यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नॉर्मल बैचलर कॉलेज, मास्टर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ड्रामा कॉलेज, हर तरह का कराऊंगा। पहला जिसमें पहला क्वेश्चन उठाया, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। याद रखना 1960 में भारत में पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया, पहली बार, और उसको नाम रखा गया जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, और ये पंत नगर उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला उत्तराखंड में है। ये वेस्ट बंगाल वाला नहीं, पंजाब वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला नहीं, उत्तराखंड वाला जीबी पंत 1960 में बना। ये भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हर क्वेश्चन कराऊंगा, मेडिकल कॉलेज, ब्लाइंड कॉलेज, सिंगिंग कॉलेज, ड्रामा कॉलेज, सब क्वेश्चन ले आऊंगा, ताकि आपका एक भी बचे ना। लटक मटक के प्रणाम भाई, सुनील भाई, आप ही लोग के प्यार से खड़ा हूं भाई मैं। ये है वो गोविंद वल्लभ पंत, पंत नगर उत्तराखंड, ये है वो यूनिवर्सिटी
जिसकी खूबसूरती, जिसका क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ओहो ये क्वेश्चन बड़ी भयंकर है, मिलान करिए, शायद ही आप लोगों से बन पाए। मिलान करिए, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इसके आगे लिखा है 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें मौत के घाट उतारा गया था। दूसरा है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनके आगे लिखा है किंग्सफोर्ड की हत्या के जुर्म में की हत्या। रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज का बदला तथा असेंबली बम केस से संबंधित, और सूर्यसेन चिटगांव लूटपाट। इधर तो उनके नाम और इधर अपराध जिसके कारण उन्हें मौत के घाट उतारा गया। तो याद रखना मेरे लाल, ध्यान से सुनना, कहीं बिचल मत जाना, आपको दिखाऊंगा, कहीं बिचल मत जाना, कहीं बिचल मत जाना। जब पेपर में आए मुजफ्फरनगर कांड, ध्यान से सुनना, कहीं बिचल मत जाना, मुजफ्फरनगर बिहार, जब आए मुजफ्फरनगर बिहार कांड, तो इसका मतलब याद रखना 30 मार्च 1908 मुजफ्फरनगर बम कांड बिहार में हुआ था। और जानते हो क्यों हुआ था? ये लोग पगला नहीं गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से कर दिए और हम भारतीयों ने उसका विरोध किया, कई जगह बैन लगा दिए कि अगर कोई भारतीय बिदकता है मार दो। नुक्कड़ भाई, तभी मुजफ्फरनगर के एक जज साहब थे किंग्सफोर्ड, उन्होंने ही ये फरमान सुनाया मुजफ्फरनगर में कि अगर कोई ऐसा करता है, बंगाल विभाजन का खिलाफत करता है, मार दो। कई लोगों को मार भी दिया। ये बात पता चली खुद्दीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को, दोनों को पता चल गई, प्रफुल्ल चाकी को, और इन दोनों ने बांध लिया कि बेटे जज, किंग्सफोर्ड नाम था इनका, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड बेटे, ये तेरा ब्रान माटी होगा। और इन्होंने बांध लिया कि या तो मैं नहीं या तो तू नहीं, और मुजफ्फरनगर की रेकी शुरू कि ये जज साहब कब आते हैं। और जज साहब आए कोर्ट में, कोर्ट से निकल रहे थे, आगे आगे बग्गी, उस टाइम एम्बेसडर तो था नहीं, बग्गी 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 घोड़ा गाड़ी। तब तक प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस बम उठाए और फेंक दिए बग्गी पे। ओ भाई, बग्गी पे फेंके, वो बग्गी पे दो फीमेल थी, वो बग्गी किंग्सफोर्ड पर ना गिरा, वो फीमेल पे गिर गया, और दोनों फीमेल साफ, वो दोनों फीमेल साफ। मारने गए थे इसको, मर गई वो दो लुगाई, और ये बम फेंक के भाज गए। 30 तारीख को कांड किया और इनकी रेकी शुरू, खोज शुरू, कौन था कौन था कौन था। ठीक है, 30 अप्रैल है, कौन था कौन था कौन था कौन था। तब तक प्रफुल्ल चाकी मिले 1 मई 1908, और प्रफुल्ल चाकी तुरंत शूट आउट कर लिए, पुलिस को देखते ही ना, मैं इनके हाथ ना आता, अपने आप को मार दिया, और इनको कर लिया गिरफ्तार, खुद्दीराम बोस को। और खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरनगर में फांसी दी गई, मुजफ्फरपुर में। सबसे कम उम्र की फांसी है इनकी, सबसे कम उम्र की फांसी, सबसे कम उम्र की फांसी। खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का काम था किंग्सफोर्ड हत्या। चलिए आइए, एक तक क्लियर हुआ, अरे एक तक क्लियर हुआ, देखिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। यह है खुद्दीराम बोस और यह है वो अंग्रेज, फिरंगी अंग्रेज, यह है प्रफुल्ल चाकी,
ये खुद्दीराम बोस, सबसे कम उम्र की फांसी है इनकी पूरे इतिहास में। यानी खुद्दीराम बोस और ये किंग्सफोर्ड की हत्या, इससे मैच होगा। अब आइए भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, आइए देखते हैं भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु क्या हुआ मेरे लाल, ध्यान से सुनना। एक कांड हुआ जिसको बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, ध्यान से सुनना, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र क्यों हुआ आइए जानते हैं। 1927 में एक साइमन कमीशन बना, साइमन, और उसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, 27 में बना, और यह भारत में भारतीय लोगों की क्या दिक्कतें हैं उसकी जांच करेगा साइमन, और इसमें 7 आदमी थे और एक भी भारतीय नहीं। भाई आए थे जांच करने, मारी और मारा ही आदमी ना उसमें। हमने किया विरोध, हमने किया विरोध। 27 में बना, फरवरी 1928 में इंडिया में आया, 27 में बना, इंडिया में आया, इंडिया में आया, याद रखना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया में आया 28 में। 7 सदस्य थे, एक लिबरल पार्टी का, 2 लेबर पार्टी का, 4 कंजर्वेटिव, 4 कंजर्वेटिव, 7 आदमी थे। जॉन साइमन अध्यक्ष था, अध्यक्ष, अध्यक्ष था, एक भी भारतीय नहीं। विरोध हुआ फरवरी में, आए अलग अलग जगहों पर विरोध, लखनऊ में विरोध हुआ और नेहरू जी को पीट दिए, गोविंद वल्लभ पंत को पीट दिए, कई लोग पीटे गए, कोई अपंग हो गया। तब तक याद सुनना, तब तक अक्टूबर में, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया तगड़ा। साइमन गो बैक, शेरे पंजाब उपाधि है लाला लाजपत राय की, साइमन गो बैक 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में, और वहीं का एसएसपी सैंडर्स था, लाठी चार्ज, और उसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय मरते वक्त कहा था कि एक एक लाठी तेरे ताबूत में कील साबित होगी अंग्रेजों। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ये लोग लाला लाजपत राय को बहुत मानते थे, उसका बदला दर्ज हो गया कि लाला लाजपत राय को किसने मारा, सैंडर्स ने। बोला बेटे तेरा तो करेंगे हम, सैंडर्स बक्सेंगे नहीं। पहला सैंडर्स हो गया। और ये घटना नवंबर की है कि लाला लाजपत राय मरे, और ठीक याद रखना, 1 महीने बाद सैंडर्स की हत्या हो गई, 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु नामजद हुए, यही लोग हैं। इसी घटना को लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र। और फिर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तो थे ही थे, बटुकेश्वर दत्त और आ गए, और 1929 में 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फेंक दिया, जब सेफ्टी बिल पर बात चल रही थी, सेफ्टी बिल पर, और उसे टाइम बम फेंक दिया। ले एक कांड तक ये ही थे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, एक और मिल गया इनके साथ, बट्टू मिल गया। बट्टू इसमें नहीं था, लाहौर में, बट्टू यहां था, बम फेंक आए। अब इन तीनों के नाम, 2 केस, सैंडर्स मर्डर और असेंबली बम, बट्टू के लाइफ में 1 केस असेंबली,
इसलिए बट्टू को रिहा कर दिया गया और बट्टू 1965 में एम्स में मर गए नॉर्मल बीमारी से, बट्टू केशवर दत्त। लेकिन इन तीनों को तो दो केस थे, सैंडर्स हत्या, असेंबली, इनको फिर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और बट्टू बच गए। बट्टू बच गए, बट्टू 1965 में नॉर्मल मौत मर गए। लेकिन पढ़ाने वाले क्या कहते हैं, बट्टू केशवर दत्त को भी फांसी दी गई है। मेरे यार, बट्टू केशवर दत्त को कहां फांसी दी गई भाई? क्लियर है? तो ये था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। अब आ जाओ, यानी ये है भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ये है। यानी इन लोगों का जो केस है वो दो चीजों से है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज और असेंबली केस। अब आ जाओ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई फेमस हुई 1857 की क्रांति में, और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से फेमस हुई, और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में तलवार से मार दिया गया। यह 1857 की क्रांति से है, यानी 1857 की क्रांति से। ये रही रानी लक्ष्मीबाई, ये रही रानी लक्ष्मीबाई, ये है रानी लक्ष्मीबाई। इनका संबंध 1857 की क्रांति से है, यानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से है। और बच गए सूर्य सेन, तो याद रखना मेरे लाल, सूर्य सेन तुम्हारे सामने ये रहे, और इनका संबंध चिटगांव केस से है, चिटगांव। और याद रखना चिटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। और इन्होंने क्या किया, 1930 में अंग्रेजों का हथियार लूट लिए, सूर्य सेन ने हथियारें लूट ले आए बांग्लादेश से, और फिर इनको गिरफ्तार किया और 1934 में चिटगांव में फांसी दी गई। तो ये चिटगांव केस से है, ये सूर्य सेन चिटगांव षड्यंत्र से है। ये है सूर्य सेन, ये है सूर्य सेन, और ये संबंधित है चिटगांव से, ये संबंधित है चिटगांव से, चिटगांव से, यानी इनका संबंध चिटगांव से। तो ये बताओ, समझ गए का? समझे हैं? थोड़ा बताइए तो एक बार। चिटगांव, वही चिटगांव, चटगांव एक के है भाई। अरे समझे है का? हे भगवान, बताइए ना जरा। अरे ये मलाई कहीं ना मिलनी मेरे लाल, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के पढ़ाते हैं। नमस्कार भाई मनोज भाई, फौजी राम राम, नमस्कार। लोग ऊपर ऊपर के काम, बस टिक, ए रहा, बी सी डी ए, ए बी सी डी, लोग ऐसे पढ़ाते हैं मेरे लाल। क्लियर? फतेहाबाद, नमस्कार भाई, बहुत बढ़िया। तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक जरूर करें, और शेयर कर दोगे ग्रुपों में अपने, तो इससे बढ़िया तो तोहफा है ही नहीं। और मेरे लाल ये तो मतलब बहुत बढ़िया। आइए ना इधर, इधर देखिए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आम आदमी जल्दी बता नहीं पाएगा। आप बताइए तो, 2 मिनट के अंदर बताइए तो, जल्दी बताइए। ओ पूनम जी कह रहे हैं आप बेस्ट सर हो मेरे, स्लाइड पीछे करना। हिमांशु कह रहा है भाई स्लाइड, ये तो साइमन वाला है और ये चिटगांव वाला है, ये सूर्यसेन है, लक्ष्मीबाई है, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैं, ये खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कर सकते हो। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, याद से सुनना मेरे लाल। कांग्रेस में अध्यक्ष बहुत हुए, अभी सोनिया गांधी हैं, लेकिन याद से सुनना, आज तक 4 पुरुष अंग्रेज और 1 महिला अंग्रेजनी, आज तक 4 पुरुष अंग्रेज
और आज तक एक महिला अंग्रेजनी भारतीय तो है ही, मैं विदेशी की बात कर रहा हूं, अंग्रेज की बात कर रहा हूं, अंग्रेज महिला, मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूं, विदेशी की बात कर रहा हूं। तो चार और एक, आंसर रहा एक। मास्टर जी कहोगे कौन? तो याद रखना, जो पहला अंग्रेज बना, जो पहला अंग्रेज बना, ध्यान से सुनना, उसका नाम है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज जो सबसे पहली बार बना 1888 में, 1888 में, और ये बना अलाहाबाद में, ये बना अलाहाबाद में, यूले। और फिर दूसरा बना वेडरवन, दूसरा बना वेडरवन, वेडरवन, वेडर वन, दूसरा बना वेडरवन 1889 में, और ये बना बॉम्बे में, बॉम्बे का अध्यक्ष था, ये दूसरा था, ये दूसरा था, पहला यूले था। तीसरा बना वेव, वेव, तीसरा बना वेव, और ये बना 1894, और ये बना मद्रास में। कुल चार बने थे, और चौथा बना हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन, और ये बना 1904 में, और ये बना बॉम्बे में। इन चारों में एकमात्र बेडरमन है, ये दोबारा से बन गया 1910 में अलाहाबाद, ये दुई बार बना है। ओवरऑल चारे हैं, लेकिन बेडरमन दो बार है। और एक जो महिला है, यह 1917 में ये कलकत्ता की थी, इनका नाम था एनी बसेंट, एनी बसेंट, एनी बसेंट, ये कलकत्ता में बनी थी। और ये पहली महिला भी है, पहली अंग्रेजनी भी है, पहली भारतीय कहेगा तो सरोजनी नायडू, अगर पहली भारतीय महिला कहेगा तो सरोजनी, ये भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सरोजनी नायडू। ये 1900 नायडू, ये 1925 में कानपुर में बनी थी, ये लंदन की थी चुकी एनी बसेंट, और ये मद्रास में इनका डेथ हुआ था 1933 में। तो चार पुरुष, पहला यूले, वेडरमन, वेव, हेनरी कॉटन, फिर वेडरमन, और एक महिला जो थी एनी बसेंट। शायद मेरे हिसाब से बात बन गई, मेरे हिसाब से बात बन गई। हाँ 1925 है भाई महिला, ये रही 1925, मेरे हिसाब से बात बन गई। तो मेरे लाल याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कहां मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस। कारण, टिक लगवाना हो तो मेरे से ही लगवा लो, 100, 150, 500 रोज, लेकिन जो मेहनत है सिर्फ आपके लिए है। तो नेक्स्ट क्लास में भी मिलते हैं। बन गई, इनके नाम मैंने बताया तो था मेरे लाल, इनके नाम क्या बात कर दिए, अभी लिखा था यार, अभी मैंने लिखा था, ये रहा, ये लिखा था, ये रहा। तो आज की जो सीरीज है यही तक सीमित है, दिवाली के बाद फिर अगली सीरीज शुरू होगी एक अच्छे क्वेश्चन से। इनका नेम बता दें, यूले, वेडरवन, वेव, हेनरी कॉटन, फिर वेडरवन, और जो महिला थी उनका नाम था एनी वसेंट। क्लियर? क्लियर है मेरे लाल? तो चलिए, 10 बजने को है, हम भी अपने घर पहुंचे और खाने की तैयारी करें। वाह, मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेगा और आपका दिन अच्छा जाते रहेगा और आप बेहतर करते रहेंगे। सर निसी में भी ब्रांच, कोई अच्छा आदमी मिलेगा जरूर खोलेंगे जी।
ऐसा नहीं है कि हमारा मोटिव सिर्फ पैसा होता है। आप कभी हमारे नियरेस्ट ब्रांच पर ना 2 दिन की डेमो लगाओ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हम पढ़ाते हैं और क्या हम देते हैं। और याद रखना, स्टैटिक की बुक अवेलेबल हो चुकी है, 176 टॉपिक अवेलेबल है और आप तक पहुंच सकती है, आपके घर तक। अगर आप जहां पर हमारी ब्रांच नहीं है, आप अगर आपके पास नियरेस्ट गैलेक्सी एक्सिस की ब्रांच है वहां विजिट करें और आप स्टैटिक जीके परचेज करें। पूरे मार्केट में, पूरे हरियाणा में स्टैटिक जीके आशीष सर और पांडे सर के नाम से फेमस है। आप पूरे हरियाणा से कहीं से भी ले लो यार, ब्रांच पर विजिट करो, डेमो लगाओ, अपने पड़ोसियों को बोलो, साथियों को बोलो, पढ़ाई करें। स्टैटिक जीके पूरे जगह अवेलेबल हो गया 176 टॉपिक के साथ, इसी तरह के कंटेंट वहां उपलब्ध है। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली गैलेक्सी परिवार के तरफ से। आप सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, ये हमारी दुआएं और उस भगवान की दुआएं हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।